चलो मित्रों आ जाइए पुनः आप सभी का वेदांत क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं और मां शारदे की वंदना करता हूं और मां शारदे से प्रार्थना करता हूं कि आप पर उनका हाथ और आशीर्वाद सदैव बना रहे जिससे आप अपने लक्ष्य पर शीघ्र पहुंचे। चलो तो आइए मित्रों आज मैं हिंदी भाषा की बात करूंगा और हिंदी भाषा में हम स्वरों की बात कर चुके थे, उनके वर्गीकरण की बात हुई, व्यंजनों की बात हुई और यहाँ एक छोटा सा टॉपिक हमारा रह गया था और वो है अयोग बाह्य। थोड़ी सी मैं अयोग बाह्य की बात करता हूँ और फिर धीरे धीरे मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। चलो आइए मित्रों मैं हिंदी में आपसे बात करूंगा और जहां पर स्वर और व्यंजन हो चुके थे और आज मित्रों मैं बात करूंगा आपसे अयोग बाह्य। अयोग बाह्य यानी हमने देखा स्वरों की बात की थी और स्वरों में हमने देखा था एक इस प्रकार का था और एक इस प्रकार का था, यानी हमने देखा होगा अंग और ए, ऐसा मैंने प्रारंभ में आपको बताया था अंग और ए, क्योंकि ए तो क्या है स्वर है और स्वरों और केवल इसकी। अब हम बात करें कि ये जो है एक डंडे के ऊपर जो बिंदी होती है उसको हमारे यहाँ क्या कहा जाता है मित्रों, अनुस्वार कहा जाता है। इसी प्रकार हम बात करते हैं ये ऊपर नीचे जो बिंदी होती है इसको विसर्ग कहा जाता है। और एक और आप देखें ये डंडे के ऊपर एक बिंदी थी उसको अनुस्वार कह दिया, लेकिन एक चिन्ह इस प्रकार का भी आपने देखा होगा और इस प्रकार के चिन्ह को क्या कहा जाता है, इस प्रकार के चिन्ह को अनुनासिक कहा जाता है। ये अनुनासिक का चिन्ह होता है मित्रों, जबकि ये अनुस्वार का चिन्ह होता है। इस अनुनासिक को हम हमारे तद्भव भाषा में चंद्र बिंदु भी बोल देते हैं, तो वो चंद्र बिंदु जो है वो यही है मित्रों जिसको हमें व्याकरणिक भाषा में अनुनासिक कहा करते हैं। तो ये अनुनासिक होता है, ये विसर्ग होता है और इसको हम अनुस्वार कहते हैं। चलो तो आइए मित्रों फटाफट मुझे जवाब दे दीजिए कमेंट्स के माध्यम से कि अयोग बाह्य कितने होते हैं, अयोग बाह्य कितने होते हैं, एक दो कितने होते हैं, फटाफट कमेंट्स के माध्यम से जवाब दे दीजिए मुझे कितने होते हैं, अयोग बाह्य कितने होते हैं। फटाफट जवाब दीजिए। जी जी भास्कर जी दो, पूजा जी दो, भास्कर जी ठीक है, गोलू जी दो दो दो, आशा जी चार, बंदा जी दो, गप्पू जी दो। आपके सामने लिखे हुए हैं अनुस्वार, एक ये विसर्ग है, एक ये अनुनासिक है, ये तीनों अलग अलग होते हैं। अनुस्वार अलग है, अनुनासिक अलग है, इन दोनों की भी मैं बात करूंगा ये अलग कैसे हैं और ये कैसे हैं ये चर्चा करूंगा मैं आपसे। फटाफट बता दीजिए मुझे कि कितने, दो होते हैं या तीन होते हैं। जितेन जी दो, धर्मराज जी दो, अतुल जी चार, रूप सिंह जी दो। चलो तो मित्रों आइए हम बात करते हैं, यहां पर अयोग बाह्य दो ही होते हैं जी, चार संस्कृत में होते हैं, वहां उपदमानी और जिब्बा मूलीय दो और होते हैं। हिंदी में यदि अयोग बाह्य की संख्या पूछी जाए तो वो संख्या होती है दो, केवल दो, और वो दो कौन कौन से, एक अनुस्वार जिसका चिन्ह आप जानते हैं ये अनुस्वार का चिन्ह होता है और एक विसर्ग, ये विसर्ग होता है। अब हम बात करें कि अनुस्वार और अनुनासिक इन दोनों में अंतर क्या है। देखें मित्रों अनुनासिक जो होता है वो स्वर स्वरों का भी भेद होता है और व्यंजनों का भी भेद होता है। वहां स्वरों के वर्गीकरण में जब बात की मैंने तब वहां पर हम और कह सकते हैं कि नासिका के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, एक अनुनासिक होता है
और दूसरा निरनुनासिक होता है, यानी इनकी लिपि चिन्हों की हम बात करें तो यहाँ तो ए अ ई ई उ उ, यहां पर हम बात करेंगे तो यहां पर ये चंद्र बिंदु लगा देंगे, ये चंद्र बिंदु लगा देंगे मित्रों। तो स्वर, स्वरों के जब भेदों की बात करते हैं तो स्वर दो प्रकार के होते हैं, अनुनासिक भी और निरनुनासिक भी। इसको मित्रों हम अननुनासिक भी कह सकते हैं, अनुनासिक भी कहते हैं। यहां मैं थोड़ी सी लिपि की जानकारी आपको देना चाहूंगा, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, छोटी छोटी जानकारी है और इनसे हमें दूर हो जाते हैं और फिर भाषा पर हमारी पकड़ नहीं बन पाती है, तो कोई टॉपिक छोटा नहीं होता मित्रों। इसलिए इसको बहुत आराम से आप देखिए, कहीं ना कहीं ये एग्जाम में ऐसा काम आएगा कभी, देखना आप मित्रों। तो आइए, जी जी संस्कृत में चार होते हैं, जी 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 संस्कृत में चार होते हैं, ये बात हो चुकी। अब हम हिंदी की बात कर रहे हैं और मैं बात करूं आपसे स्वरों के जब भेद करते हैं तो स्वरों का एक और भेद आप जोड़ लेना कि नासिका के आधार पर दो प्रकार, एक अनुनासिक और दूसरा निरनुनासिक। अब मैं पहले तो लिपि के विषय में आपको बता देता हूं, आप देखें देखें आप मुझे बताइए, ये मैंने आपको लिखा मे, और मे में क्या है, यहां पर एक बिंदी है, आप बताइए ये अनुस्वार है या अनुनासिक है। फटाफट कमेंट्स के माध्यम से बताइए कि अनुस्वार है या अनुनासिक है। जी बाबूलाल जी थैंक यू, फटाफट बताइए ये अनुस्वार है या अनुनासिक है। चलो जवाब दीजिए मित्रों, जवाब दीजिए ये अनुस्वार है या अनुनासिक है। जल्दी कमेंट से जल्दी आने चाहिए। आशा जी अनुनासिक, धर्मराज जी अनुस्वार, पूजा जी ओहो अनुनासिक, बीएल जी अनुस्वार, अनुनासिक अनुनासिक दोनों ही नहीं है, अनुनासिक। अच्छा कविता जी दोनों ही नहीं है, ठीक है। अनुनासिक अनुस्वार, अनुनासिक अनुनासिक अनुस्वार, अनुनासिक अनुस्वार, अनुनासिक। चलो मित्रों हमें ये अनुनासिक है मित्रों, ये अनुनासिक है। आपने नहीं दे, आप का ध्यान कभी आया नहीं। बाकी अनुनासिक छोटी बिंदी होती है और अनुस्वार थोड़ा सा बड़ा होता है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि यहाँ कभी पंचम वर्ण का उच्चारण नहीं होता है, जबकि अनुस्वार में पंचम वर्ण का उच्चारण होता है। अब मैं यही लिपि के विषय में आपको बताना चाहूंगा, आप मेरे साथ बने रहिए और देखें। मैंने कहा ए, ए के ऊपर ये लिख दिया, आ के ऊपर ये आ गया, ई के ऊपर ये आ गया, लेकिन इस ई के ऊपर अनुनासिक कैसे लगाएंगे, यहां कैसे लगाएं, यहां तो जगह ही नहीं है, तो क्या मैं यहां पर लगा दूं क्या, आप बताइए मुझे यहां पर लगा दूं या फिर मैं आपको यहां लगाऊं। फटाफट ये एक है, ये दो है, और या फिर मैं यहां पर लगा दूं, ये तीन है, मुझे एक बार जवाब दीजिए यहां कौन सा सही है। ये वाला सही है, ये वाला सही है, ये वाला सही है। जी अनुनासिक,
अंधा से एक ठीक है। फटाफट ये बताइए कि कौन सा सही है, एक दो या तीन? एक दो तीन, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कौन सा सही है? दो 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 दो, खुशबू जी, पवन जी दो, लखन जी दो, गप्पू जी, वाह तीनों ही गलत है। आशीष जी दो दो दो, कोई भी नहीं, नोट। चलो देखें, बहुत जल्दीबाजी रहती है आपको उत्तर देने में। आपने ये तो पूछा ही नहीं कि विकल्प चौथा कौन सा है, तो ये तीनों ही गलत है मित्रों, ऐसे यहां पर नहीं लगता है। चौथा उत्तर इसका राइट होगा, और वो चौथा कौन सा होगा वो आप देख लीजिए। देखें यहां जो ई में लगेगा वो ई में ये लगेगा मित्रों। अब आप सोच रहे होंगे कि यहां तो ये चंद्र भी था, ये ढकोली भी बनी हुई थी, लेकिन यहां तो है ही नहीं। कि इसका क्या कारण रहा? आप जानते हैं कि जो बिंदु होता है वो गोल होता है, एकदम गोल होता है, और जब किसी समतल स्थान पर बिंदु को रख दिया जाए, गोल वस्तु को रख दिया जाए, यानी एक टेबल पर थोड़ी भी हवा आती है तो इधर उधर हिल जाती है, तो ये इधर उधर ये बिंदु जो है इधर उधर ना हले, इसलिए इसको रोकने के लिए इस प्रकार की टोकरी का प्रयोग किया गया। लेकिन चूंकि यहां पर इसको रोकने के लिए यहाँ ऊपर तो पहले से ही है, और इसीलिए यहाँ पर ये इसी मात्रा से रुक जाएगा। तो जब जब ये जो पाई होती है, इसे पाई या इसे डंडे के ऊपर कोई भी मात्रा हो, तो वहां पर ये जो चिन्ह है ये हट जाता है, और मात्र वहां पर बिंदु आता है। इसी प्रकार हम देखते हैं यहां पर कि यहाँ ई और ई में लगाएंगे तो ये हो जाएगा, उ में लगाएंगे तो ये होगा, उ में भी ये होगा, और ए में ये होगा, लेकिन आई में क्या होगा मित्रों? आई में ये हो जाएगा। ऐसी ओ की बात करेंगे तो ओ में भी क्या होगा? ये हो जाएगा, और औ में भी क्या होगा? ये हो जाएगा। यदि ये डंडे से ऊपर यदि कोई मात्रा लगी हुई है तो वहां एक बिंदु लगाया जाता है, जबकि यदि मात्रा नहीं हो तो चंद्रमा पूरा लगाया जाता है। ओके, मैं समझता हूं कि आपके अनुनासिक की जो लिपि थी वो समझ में आ गई होगी। अब मैं आगे की कथा कहूं आपसे। जैसे हम बात करें, जैसे कांच, अब कांच की बात करें तो यहां पर ये लगा दिया, अमे में क्या रहेगा? ओके मित्रों, तो ये आपका अनुनासिक की जो लिपि थी वो क्लियर हुई। अब मैं और थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं और थोड़ी सी आपसे बात करता हूं। अब हम बात कर रहे थे, ये हमने अनुनासिक और निरनुनासिक स्वर के प्रकार जो थे वो भी मैंने बात की, और व्यंजनों की हम बात कर ही चुके हैं। वर्ग का जो पंचम वर्ण होता है वो अनुनासिक या नासिक के कहलाता है, क्योंकि अनुनासिक कहते किसे हैं, यानी मुख और नाक दोनों से उच्चारित होने वाले जो स्वर होते हैं उनको हम अनुनासिक कहते हैं, और अनुस्वार केवल और केवल नासिका से उच्चारित होने वाले स्वर होते हैं। ये तो केवल नासिका से उच्चारित होता है मित्रों, जबकि ये जो अनुनासिक है, ये अनुनासिक नासिका तथा मुख, अब मुख के उच्चारण स्थान कंठ तालु मूर्धा दंतोष्ठ कोई भी हो सकते हैं, तो ये मुख और नासिका दोनों से उच्चारित होते हैं, इसलिए अनुनासिक है, और अनुस्वार केवल नाक से उच्चारित होने वाले जो ध्वनि है उसको हम अनुस्वार कहते हैं। ठीक है मित्रों, अब और देखें, मैं और बात करूंगा अभी आपसे, और छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको मैं करूंगा, क्योंकि आगे भी हमें उनकी आवश्यकता पड़ेगी, बताऊंगा मैं आपको कहां कहां पड़ेगी। चलो
देखे मित्रों, यहां हमने देखा आंख, हमने देखा इसका उच्चारण आंख ही होगा, इसका उच्चारण आंख ही होगा। जबकि यदि मैं यूं कह दूं तो ये आंख है, ये आंख, आंख यानी इसका इसका जो उच्चारण होगा वो ये होगा आंख। यदि ये परसवर्ण यानी बाद वाले जो बाद वाला वर्ण आता है उसी का पांचवा होता है यानी आंख, तो ङ का उच्चारण यहाँ हुआ अनुस्वार में, जबकि अनुनासिक में ऐसा उच्चारण नहीं होता है। यहाँ आ में ही थोड़ी सी नासिका के द्वारा भी ध्वनि निकाल दी जाती है। आंख, आंख, ये आंख है और ये अंख है, तो ये गलत है मित्रों। यहाँ पर आंख यानी अनुसार और अनुस्वार और अनुनासिक दोनों के उच्चारण में भी अंतर है। फिर मैं और थोड़ी सी आगे की आपसे बात करता हूँ मित्रों, बने रहिए। पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, आपका ये प्रेम और रिश्ते सदैव बना रहे। तो देखें, अब मैं अनुस्वार के विषय में, हमारे यहाँ एग्जाम में प्रश्न भी आया हुआ है, वही मैं बात करता हूं। देखें, कभी कभार पूछ लिया जाता है अंक, अंत, अंजन, अंट, जैसे हम बात करें। यहां देखें मित्रों, यहां अनुस्वार, यहां पर भी अनुस्वार, यहां पर भी अनुस्वार, यहां पर भी अनुस्वार, ठीक है। और एक हम कहें कि संपत्ति, यहां पर भी क्या है अनुस्वार, ये भी अनुस्वार, ये भी अनुस्वार, ये भी अनुस्वार, ये भी अनुस्वार और ये भी अनुस्वार, लेकिन लेकिन पांचों ही जगह अनुस्वार का उच्चारण अलग होगा। और वो क्या होगा, पूछ लिया जाता है, जैसे मैं कहूं कि बताइए यहाँ अंक शब्द में, ऐसे प्रश्न आए हुए हैं एग्जाम में कि अंक शब्द में अनुस्वार किसका द्योतक है या किसको प्रदर्शित करता है या किसके स्थान पर आया हुआ है। तो देखें मित्रों, ध्यान रखें, अनुस्वार की जब हम बात करते हैं तो अनुस्वार जो भी आगे का जो वर्ण होता है, अगला जो व्यंजन आता है उसी लाइन का, उसी वर्ग का पांचवा वर्ण होता है। यानी यानी यहाँ पर जो अनुस्वार है वो इस रूप में आया है, यहाँ पर जो अनुस्वार है वो इस रूप में आया है, यहाँ पर इस रूप में आया है, जबकि यहाँ पर इस रूप में और यहाँ पर आया है मित्रों इस रूप में। यानी इस अनुस्वार का मतलब ङ है, इस अनुस्वार का मतलब ने है, इस अनुस्वार का मतलब ये है और इस अनुस्वार का मतलब ने और इसका मतलब है मैं। आप उच्चारण करके देख लीजिए, संपत्ति मैं का उच्चारण होगा अंत, ने का उच्चारण होगा अंजन, ने का उच्चारण होगा अंत, ने का उच्चारण अंक, ने का उच्चारण होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हुआ। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। तो देखें मित्रों, अनुस्वार के बाद जो भी वर्ण होता है, अब यहाँ क्या है, कै, तो कै की लाइन का पांचवा कौन सा है, कै वर्ग का पांचवा कौन सा है, तो आप देख लीजिए कै, कै, गे, 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 कै की लाइन का पांचवा ङ है। यहाँ है मित्रों ते, तो ते, थे, दे, धे, ने, ते की लाइन का पांचवा यहाँ पर क्या है जे, और यहाँ अनुस्वार के बाद जे आया तो जे की लाइन का पांचवा, यहाँ पर टे आया तो टे की लाइन का पांचवा, और यहाँ पर पे आया तो पे फे बे भे में यानी पे की लाइन का पांचवा। तो इस प्रकार आपने देखें कि अनुस्वार एक ही था लेकिन लेकिन उनका उनका उच्चारण अलग अलग था। अब एक कभी कभार यूं पूछ लिया जाता है कि इस अनुस्वार अंक में जो अनुस्वार है उसका उच्चारण स्थान क्या है, तो इसका उच्चारण क्या हुआ मित्रों, एक कंठ हो गया और दूसरा नासिका, दोनों से उच्चारित होते हैं ये यहाँ पर, क्योंकि आगे क्या है कै वर्ग का पांचवा यानी ङ, इसलिए ङ का उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ नासिका, ने का दंत और नासिका से होता है, ये तालु नासिका से, ये मूर्धा नासिका से और ये ओष्ठ नासिका से। खैर, मैं उच्चारण स्थानों में
आपसे ये चर्चा करूंगा उच्चारण स्थानों की, वहां पर बात करूंगा। अभी केवल हमें बात करनी है कि अनुस्वार का जो स्वरूप है वो कैसा होता है, यानी अनुस्वार का हर शब्द में अपना अलग अलग उच्चारण होता है, तो उच्चारण विविधता क्यों है, ये मैंने आपके सामने प्रस्तुत की। ठीक है मित्रों, समझ में आ गया होगा कि अनुस्वार का हमें क्या क्या उच्चारण करें, ऐसे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, और बात भी करूंगा जब मैं आपको प्रश्न पत्र हल करवाऊंगा तब मैं चर्चा भी करूंगा ऐसे प्रश्नों की। जी गोलू जी, चलो मैं और आगे बढ़ता हूं। तो समझ में आया, अनुस्वार और विसर्ग के विषय में बात हुई, आपने अनुनासिक के विषय में आपने देखा। ठीक है, अब मैं आगे बात करता हूं। अब पहला प्रश्न तो मित्रों यही बनता है, क्या बनता है कि अयोगबाहा, यानी यहां पर अयोगबाहा कहा गया, तो अयोगबाहा क्यों कहा गया ये तो बताइए सर हमें, कि अयोगबाहा क्यों कहा गया। चलो मैं ये भी आपसे बात करता हूं। देखें यहां पर ए योग और बाह है, ऐसे शब्द का निर्माण होता है मित्रों, और ए का मतलब होता है क्या, नहीं, ए किसी के आगे लगा देते हैं, जैसे हम बात करें ए कारण, यानी कारण नहीं है, ए सत्य यानी सत्य नहीं हो, ठीक है, यानी ए धर्म यानी धर्म नहीं हो, अहिंसा हिंसा नहीं हो, यानी ए का मतलब यहां पर निषेधात्मक है, निषेध अर्थ है यानी नहीं। योग, योग का मतलब आप जानते हैं जोड़, योग का मतलब क्या है, जोड़। वाहे, वाहे का मतलब होता है मित्रों बहन करना यानी ढोना, यानी कहा गया है कि बहन करना यानी ढोना, ढोते हैं ना हम पीछे, हाँ, तो देखें क्या कहा गया, यहां पर कहा गया है कि नहीं, यानी बिना जोड़ के बिना योग के, जब तक स्वरों का योग ना हो, स्वरों का जोड़ ना हो, स्वरों का संयोग ना हो, स्वरों का मिश्रण ना हो, तब तक बहन करना नहीं, यानी ये बहन नहीं किए जा सकते, ये ढोए नहीं जा सकते, इनका उच्चारण संभव नहीं है, ये उच्चारित नहीं हो सकते, इसीलिए यानी कहा गया है कि जो बिना योग के बहन नहीं किया जाए उसे अयोग बाह्य कहा जाता है। अब सोच रहे होंगे मित्रों कि बिना योग के कैसे, बिना योग के कैसे, चलो वो भी बात करते हैं आपसे। मैं आपसे कहूं कि आप इसका उच्चारण करके बता दीजिए, करिए उच्चारण, अंग ङ ङ ङ ङ, कैसे कैसे उच्चारण करेंगे बताइए आप, क्या उच्चारित हो सकता है ये, हाँ मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ये उच्चारित हो पाएगा, इसलिए। लेकिन मैं आपसे कहूँ कि अब कर दीजिए आप, मैं कहूँ कि अब कर दीजिए आप, मैं कहूँ कि अब कर दीजिए आप, तो आप कर देंगे यहाँ पर, आप अंग कर दोगे यहाँ पर, कंग कर दोगे यहाँ पर, तंग कर दोगे यहाँ पर, यानी इनका उच्चारण हो सकता है अंग अंग, लेकिन इसका उच्चारण संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि अकेले का उच्चारण नहीं होता, यहां पर ए लग गया और ए क्या है, स्वर, तो ए लग गया, ए लगा इसलिए उसका उच्चारण हुआ, ए लगा इसलिए इसका उच्चारण हुआ, यदि ए नहीं होता तो ये बहन नहीं किए जा सकते थे, ढोए नहीं जा सकते थे, और इसीलिए क्या कहा गया, अयोग वाह कहा गया। क्लियर है मित्रों, क्लियर, समझ में आ गया होगा। चलो थैंक यू जी। वर्षा जी गुड इवनिंग। गोलू जी नहीं नहीं मैं नहीं समझ पाया, नहीं का अभिप्राय क्या है यहां पर। गप्पू जी यस, गोलू जी यस, चलो बिल्कुल 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 सही कहा आपने, उच्चारण संभव नहीं है। खैर, तो ये अयोग वाक्य क्यों कहा गया ये आपने देखा,
अयोगवाहक कितने होते हैं? दो होते हैं, एक अनुस्वार होता है और एक विसर्ग होता है। जबकि अनुनासिक, जिसकी बात हुई हमारे, अनुनासिक अयोगवाह नहीं होता है, ये ध्यान रखना है आपको। और अनुनासिक की लिपि की भी मैंने बात की, और अनुस्वार का जो उच्चारण स्थान है यानी इसका किस शब्द में क्या स्थान होता है ये भी मैंने आपसे बात की, और विसर्ग की भी बात की। विसर्ग को भी हम देखते हैं, विसर्ग को हम उच्चारण नहीं कर सकते, लेकिन एमे लगा दिया आह, कैमे लगा दिया काह, तो यहाँ अतः, यहाँ पर हम इसका उच्चारण कर सकते हैं, यानी बिना स्वरों के ये विसर्ग और अनुस्वार दोनों को नहीं ढोया जा सकता, दोनों का उच्चारण संभव नहीं है मित्रों, और इसीलिए इन दोनों को क्या कहा गया? अयोगवाह। तो संख्या पूछी जाए कि अयोगवाह कितने होते हैं, तो आपको उत्तर देना है अयोगवाह दो होते हैं, एक विसर्ग और दूसरा अनुस्वार। ओके मित्रों, जी प्रांशी मस्त रहो, एसआर जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, लेट आए हैं आप, लेट आए हैं आप लोग, चलो कोई नहीं, वीडियो आपके पास रहेगा, तो क्लियर हो गया, मैं आगे चलूं मित्रों। चलो कोई नहीं, विजय ईवीएस से कम स्टूडेंट है, हाँ कम स्टूडेंट है ईवीएस से, रिंकू जी गुड इवनिंग। चलो अब हम बात करते हैं हिंदी में मित्रों, ये अयोगवाह की बात हुई, अब मैं थोड़ी सी और आपसे बात करूंगा, वर्णों की संख्या की बात करूंगा। क्या बात करूंगा? वर्णों की संख्या, जो कि बात मैंने अभी तक नहीं की है। देखें मित्रों, मूल वर्णों की बात करें तो आप जानते हैं मूल वर्ण, और मूल वर्णों में भी आप मूल व्यंजनों की बात करते हैं लाओ पहले, और मूल व्यंजन कितने होते हैं मित्रों? 33 होते हैं। स्वरों की बात करते हैं तो स्वर कितने होते हैं? 11, यानी कितने? 44। यदि प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी में मूल वर्णों की संख्या, मूल वर्णों की संख्या कितनी है, तो आपको क्या उत्तर देना है मित्रों? 44 उत्तर देना है। क्या उत्तर देना है? 44। इसके आप जानते हैं ना कौन कौन से, यानी यहाँ पर क्या आ गया? स्पर्श आ गए, अंतस्थ आ गए, और ऊष्म आ गए, जो कि मैं पूर्व क्लास में बता चुका था। पूर्व क्लास में वो बता चुका था मित्रों, और तो ये 33 और 11 कितने हुए? 44। उसके बाद और थोड़ा आगे बढ़े, जो हम जानते हैं क्या, ये क्या है? उच्छिप्त, जो दो उच्छिप्त वर्ण थे उनकी हम बात करेंगे मित्रों, और उच्छिप्त हम जानते हैं कौन कौन से? ळ और ढ, ये दो वर्ण थे ळ और ढ, इन दोनों की बात हुई थी। तो ऐसे करके कितने होते हैं? 46। ये भी मैं आपसे चर्चा करूंगा, लेकिन इसके साथ मैं और जोड़ना चाहूंगा 4, तो क्या संयुक्त, जो संयुक्त अक्षर थे, संयुक्त वर्ण थे 4, 4 की संख्या में बता चुका था, क्षेत्र ज्ञेत्र, और उसी प्रकार दो हमारे क्या हुए? दो अयोगवाह हो गए मित्रों, और दो अयोगवाह यानी कुल मिलाकर के कितने हुए? 52। यदि प्रश्न आता है हिंदी में कुल वर्णों की संख्या, कुल वर्णों की संख्या की बात करें, तो आपको उत्तर देना है 52, और यदि कुल वर्णों की, कुल वर्णों की बात करेंगे तो 52 उत्तर देना है, और मूल वर्णों की बात करनी है तो कितना देना है? 44 देना है। लेकिन यदि यूं कह दिया जाए हिंदी
में वर्णों की संख्या, यदि केवल वर्णों की संख्या की बात करें तो फिर वहां विकल्प के आधार पर, विकल्प के आधार पर देखें। अब यहां मान लीजिए 44, 46 और 52 ये तीनों ही सही है, लेकिन आता है कि वर्णों की संख्या कितनी है और मान लीजिए तीनों में से एक ही विकल्प आपको प्राप्त है, 44 दे रखा है तो 44 ही करेंगे, 44 नहीं है और 46 है तो 46 करना है, दोनों नहीं है तो 52 भी करना है। बात यह कि यदि तीनों हो तो वर्णों की संख्या की बात करेंगे तो मित्रों क्या करना पड़ेगा आपको, वर्णों की संख्या पहले, सबसे पहले प्राथमिकता आपको 46 देना है। क्या देना है मित्रों? 46 सबसे पहले। हाँ यदि यूं आता है मूल वर्णों की संख्या मूल आता है तो और तीनों विकल्प में है तो आपको प्राथमिकता 44 को देना है और कह दिया जाए हिंदी में प्रयुक्त होने वाले समस्त वर्णों की संख्या, कुल वर्णों की संख्या पूछी जाए तो आपको उत्तर 52 देना है। तो समझ में आ गया होगा आपके कि वर्णों की संख्या में हमारे जो समस्या रहती है वो आप कैसे, किस प्रकार से आप विभक्त कर सकते हैं। इसी प्रकार हमारे व्यंजनों को भी 8 प्रकार से विभक्त किया गया, जो मैं पूर्व में बता चुका हूं कि कैसे कैसे 8 प्रकार से विभक्त किया गया था। ठीक है मित्रों, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, 52 52, 44 44 44 52 बिल्कुल है। चलो तो मित्रों मैं अगले टॉपिक की बात करूं, लेकिन आप जानते हैं हिंदी आपकी हो चुकी है, लगभग 1 घंटे की क्लास आपकी रही, ठीक है, तो अयोग बाह और छोटी छोटी चीजें, हालांकि कहने में तो ये कि अयोग बाह हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? अयोग बाह पढ़ा, कहने में तो इतनी सी बात है, पर अयोग बाह में भी हमने बहुत सारी चीज पढ़ी, अयोग बाह क्यों कहा गया और ये अनुस्वार का स्थान कौन कौन सा हो सकता है, अनुनासिक की लिपि कौन कौन सी, कैसे कैसे, कब हम चंद्रबिंदु लगाते हैं, कब हम बिंदी लगाते हैं, तो ये सारी चर्चा हमने की, उसके साथ साथ वर्णों की संख्याओं के विषय में बात हुई। ठीक है मित्रों, अगली हिंदी की क्लास में मैं आपसे चर्चा करूंगा, अगली चर्चा करूंगा और इसमें और एक कदम आगे बढ़ेंगे। अब आगे मैं संस्कृत की क्लास की बात करूंगा। पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, आप जो हमारे साथ बने रहे आपका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करता हूं कि आप आगे भी हमारे साथ इसी प्रकार जुड़े रहें। ठीक है मित्रों, तो मैं भी पानी वानी पी लेता हूं, आप भी पानी पी लीजिए, फिर 10 मिनट बाद फिर हम मिलेंगे, 10 मिनट बाद फिर मिलेंगे मित्रों, बिल्कुल संस्कृत है, इसके बाद संस्कृत की मैं बात करूंगा आपसे, दोनों ही विषय हम लेंगे। ठीक है मित्रों, बीच में क्योंकि ऑनलाइन है इसलिए क्या कि आपको बीच बीच में गैप चाहिए होता है। ठीक है मित्रों, जय हिंद जय भारत, 10 मिनट बाद जी। पूजा जी, ओके पूजा जी, विजय जी, बंदा जी, देखो एसआर जी, आप पंकज जी, प्रांशी जी, ओके ओके विजय जी, ओके लखन जी, भास्कर जी, ओके। देखें आप एक चीज आप गौर से ध्यान दे लीजिए, आपकी 3 बजे 3 PM पर आपकी क्लास स्टार्ट होगी और वो टाइम में थोड़ा फेर बदल हो जाता है, 3 से 4 कोई शिक्षक नहीं आ पाता है तो वो दूसरे शिक्षक है उसकी पूर्ति करते हैं, ऐसे टाइम थोड़ा बहुत उल्टा सीधा हो सकता है, लेकिन 3 से और 7 7:30 8 जब तक वो क्लास रहती है तब तक आपके रेगुलर कोई ना कोई क्लास रहेगी, आपको नोटिफिकेशन मिल जाता होगा, मैं यहाँ से डाल देता हूँ, आपके यूट्यूब पर भी डालता हूँ, साथ के साथ आप टेलीग्राम से आप जुड़े हुए हैं तो आपका अभिवादन है, और टेलीग्राम से यदि नहीं जुड़े हैं तो आप टेलीग्राम से जरूर जुड़ लें, और यदि आप टेलीग्राम का लिंक आपके पास नहीं है तो मैं टेलीग्राम का लिंक आपको भेज देता हूँ, सेंड कर देता हूँ, आप एक बार टेलीग्राम से जरूर जुड़ें।
ये लिंक मैंने शेयर कर दी। अब ये टेलीग्राम की लिंक है मित्रों, ऐसे टेलीग्राम से आप सभी जुड़ जाइए, जिससे क्या है जिससे जो भी सूचना आपको देनी होगी वो टेलीग्राम पर तुरंत मिल जाती है। बाकी यूट्यूब पर जो सूचना दी जाती है वो कभी आपके पकड़ में आती है, कभी नहीं आ पाती है। और आपने बेल आइकन का बटन यदि नहीं दबा रखा हो तो उसको जरूर दबा दें, जिससे वहां भी घंटी बज जाएगी, यहाँ भी यदि कुछ होगा तो वहां आपको सूचना मिल जाएगी। ठीक है दिनेश जी, ठीक है भास्कर जी, अखिलेश जी, थैंक यू पुनः। तो 10 से 15 मिनट में फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।